जय श्री राम। मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। दिसंबर 2023 वर्ष का अंतिम महीना किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय कैसे रहने वाली है, क्या प्लैनेट की पोजिशन रहेगी, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब रखना है सावधानी, इन सभी विषयों पर आज के कार्यक्रम में चर्चा करने का मेरा विचार है। सारी जानकारियां आपको जरूर प्राप्त हो, इस प्रकार का मेरा प्रयास रहेगा। सो सबसे पहले मकर राशि के लिए थोड़ी सी प्लैनेटरी पोजीशन की बात कर लेते हैं, कहां रहेंगे ग्रह, क्या होगा कंडीशन। सो आपकी राशि से सेकंड हाउस में शनि गोचर करेंगे, स्वग्रही होकर के आपकी राशि स्वामी है, मार्गी भी हो चुके हैं 4 नवंबर को, आप लोग जानते हैं। बुध 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे जो कि भाग्य के स्वामी है। मंगल और सूर्य 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, शुक्र स्वग्रही होकर के 10th हाउस में गोचर करेंगे, बृहस्पति 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, केतु 9th हाउस, राहु 3rd हाउस। अगर मैं कुल मिलाकर की बात करता हूं, एक सिर्फ लक को अगर हटा देता हूं कि लक के स्वामी बुध जो है वो करीब गोचर करने वाले हैं जाकर के 12th हाउस में, और वही वक्री होंगे 28 को, 28 तारीख को करीब लास्ट में जाकर के, बीच में भी खैर वक्री मार्गी हो रहे हैं। सो क्या पोजीशन रहेगी, क्या होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या होंगे हाइलाइटिंग पॉइंट, क्या होगा दिसंबर में खास आपके लिए, अगर इस विषय पर इस कार्यक्रम में चर्चा किया जाए तो सबसे पहले मुझे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये माह बहुत शानदार दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस महीने में मुझे बहुत शानदार दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए माह बहुत शानदार है क्योंकि शुक्र स्वग्रही 10th हाउस में गोचर करेंगे, साथ में बृहस्पति दृष्टि देंगे 10th हाउस को, तो जब दो दो प्लैनेट शुभ ग्रह जाकर के एक घर को दृष्टि दे रहे हैं, इट मींस कि वो घर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और पंचम भाव की भी स्वामी है। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी अभी तक नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए हैं या नौकरी को लेकर के चिंताएं हैं, तो आपकी वो चिंताएं निश्चित रूप से दूर होने वाली हैं। स्पेशली मकर राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये माह बहुत शानदार रहने वाला है, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में, या जिन लोगों ने महिलाओं को वरीयता दे रखी है, महिलाओं को प्रेफरेंस दे रखी है अपने प्रोफेशनल, अपने बिजनेस के अंतर्गत, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कौन से दिन होंगे जो बहुत शानदार रहेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं। 9 और 10 ये दो दिन इस प्रकार के होंगे, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर, जो कि ये डेट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं प्लीज, जो कि प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नए बदलाव, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति 9 और 10 तारीख को प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये महीना मुझे शानदार दिख रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टाइम क्या है और क्या हाइलाइटिंग है इस महीने का, प्रॉपर्टी को रिलेटेड, प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ बहुत खास नजर आ रहा है, उसका भी मैं रीजन बता देता हूं, मैं बिना रीजन की बात नहीं कर रहा हूं। स्वग्रही 4th लॉर्ड 11th हाउस में सूर्य के साथ जाकर के गोचर करेंगे, स्वग्रही 4th भाव के स्वामी मंगल जो है वो सूर्य के साथ जाकर 11th हाउस में गोचर करेंगे, यानी प्रॉपर्टी की प्राप्ति, और बृहस्पति खुद 4th हाउस में रहने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी की प्राप्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सुख, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे बवाल को दूर करने का काम भी इस महीने ये जरूर करने वाले हैं। अच्छा, ये दिन कब होगा, जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ होने वाली है। हाँ, ये दिन होगा 22 और 23 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर ये दो दिन इस प्रकार के होंगे जिस दिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ घटित होने वाला है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपकी मुलाकात भी होने वाली है, स्वास्थ्य को लेकर के चल रही दिक्कतें भी आपकी जरूर दूर होंगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है इस महीने, हेल्थ में लेकर के जो प्रॉब्लम चल रही थी वो आपकी दूर होती दिख रही है। अच्छा, इस माह और कुछ विद्या अध्ययन में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो, विद्या अध्ययन को लेकर के विदेश यात्रा इत्यादि का योग बने, प्रेमी प्रेमिका से आपकी अच्छी मुलाकात हो, इस प्रकार का संयोग है। ये कब होने वाला है, पूरे दिसंबर में तो हो नहीं सकता है,
कोई एक आध दिन होगा जिस दिन ये आपके साथ घटित होता हुआ दिख रहा है। सो ये दिन जो आपके साथ घटित होने वाला है ये है आपका 24 और 25 तारीख। 24-25 तारीख इस प्रकार का होगा जिस दिन प्रेम संबंध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटित होगा, संतान को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण समाचार आपको मिलेगा, विद्या अध्ययन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट होगा, आपका ब्रेन बड़ी स्पीड से काम करेगा। इस महीने राजनैतिक क्षेत्र से आपको अच्छी सफलता मिले, अच्छे रिजल्ट आए, इस प्रकार का योग है। देखो विषय बहुत है, बहुत कुछ बात करने को है, मैं तो बहुत जानकारी देना चाहता हूं, जानकारी अधूरी रह जाती है मुझे लगता है, लेकिन क्या करूं समय कम है। तो आपको नंबर इसलिए दे रखा है, आप कॉल करके मेरा समय प्राप्त करके, ध्यान रखिए समय आपको प्राप्त करना होगा, समय प्राप्त करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हाँ, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, बिल्कुल फ्री होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इस बार 9 वर्ष पर आपके लिए यज्ञ करने जा रहा हूँ, आपके और आपके परिवार के लिए, ताकि 2024 आपका शानदार निकले। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है आपके सामने, और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने परिवार का नाम लिखवा सकते हैं, ताकि आपके लिए यज्ञ किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।